कंक्रीट मिक्स डिजाइन। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पीसीसी लेंगे, ओके, टाइप ऑफ वर्क्स, टाइप ऑफ वर्क्स में क्या रहता हूँ, पीसीसी यम 15 ग्रेड। नेक्स्ट पीसीसी यम 20, पीसीसी यम 25 ग्रेड, आरसीसी, देन आरसीसी यम 25, आरसीसी यम 30। ये जो ग्रेड्स है हम लोग यूज करते हैं, ओके। पीसीसी मीन्स जो भी अगर हम ब्रिज डालते हैं या जो है जो भी हम राफ्ट डालते हैं बिल्डिंग के लिए, उसके लिए जो फाउंडेशन होता है, जो भी फाउंडेशन होता है ब्रिज का हो या है बिल्डिंग का हो या फिर जो भी हो, उसके हम लोग उसको फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में पीसीसी डालते हैं। पीसीसी, पीसीसी मीन्स ये इसका यम 15 यम 20 ग्रेड से इसको हम लोग पीसीसी करते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 40 mm मेटल, सैंड और सीमेंट यूज करते हैं इसको पीसीसी। पीसीसी के बाद जो वर्क होता है वो जो है कौन सा भी हो आरसीसी होता है। आरसीसी, आरसीसी में जो है 20 mm मेटल, सैंड एंड सीमेंट, ओके, ये तीन होते हैं। 40 mm मेटल पीसीसी में यूज होता है, 20 mm, 20 mm, 10 mm मेटल जो है मेटल पर आरसीसी यूज इन आरसीसी, ओके। जब हम लोग यूज करते हैं पीसीसी हो आरसीसी, तो फर्स्ट हम वॉल्यूम जाने के लिए कितना मिक्स करना है, क्या करना है, कैसा मिक्स करना है, इसके लिए क्या है, फर्स्ट हम लोग केजेस में देखते हैं। केजेस में आप लोगों को मैं बताता हूँ। फर्स्ट सीमेंट, सीमेंट इन केजेस, ओके। नेक्स्ट वाटर, वाटर इन केजेस, सॉरी। नेक्स्ट कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट मीन कंक्रीट, 40 mm, 20 mm, 10 mm कंक्रीट, इसको जो है कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं हम लोग, ओके। तो देखिए हम लोग इसमें अब केजस में जो है अब पीसीसी यम 15 जब यूज करते हैं हम ग्रेड, तो 300 केजस ऑफ सीमेंट यूज करते हैं पीसीसी 15 को, 300 केजस सीमेंट। उसमें वाटर कितने केजस डालना है हम आपको मैं बता रहा हूँ, 140 केजस ऑफ वाटर। नेक्स्ट कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट मीन्स 40 mm, 40 mm पीसीसी के लिए 40 mm मेटल हम लोग यूज करते हैं। वो कितना यूज करते हैं 40 mm, 704.5 केजेस, ये भी क्या है केजेस, 40 mm यूज करते हैं। और 352.3 केजेस जो है 20 mm यूज करते हैं। उसके बाद 352.2 केजेस 10 mm यूज करते हैं इसको पीसीसी। व्हेन पीसीसी जब हम डालते हैं बेड में नीचे, जब इससे पहले जो बताया था मैं फाउंडेशन खोदने के बाद, फर्स्ट वर्क क्या होता है पीसीसी वर्क होता है। पीसीसी, पीसीसी वर्क में क्या होता है, यम 15 ग्रेड यूज करते हैं,
या तो जो है ब्रिजेस को जो है तो M20 ग्रेड यूज करते हैं, बिल्डिंग को M50 ओके हो जाता है, PCC M20 जो है ब्रिजेस के लिए यूज करते हैं। अब इसमें PCC हाउसेस में 300 केजेस के लिए एक सीमेंट अगर यूज करें तो वाटर जो है 140 केजेस वाटर यूज करना चाहिए, 40 mm जो है सो 704 केजेस जो है 40 mm, 352 केजेस 20 mm, 352.2 केजेस 10 mm कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं, मिक्स करते हैं इसके लिए। ओके, चार्ट बना दिया हूँ इसके ऊपर, मैं आप समझा देता हूँ आप लोग को। PCC जो 15 के लिए 300 केजेस, वाटर 140 केजेस, 40 mm जो है 700 केजेस, 20 mm 352 केजेस, 10 mm 352.2 केजेस। नेक्स्ट PCC 20 के लिए 387 सीमेंट इन केजेस, 165 40 mm, 155 वाटर, 165 केजेस वाटर। नेक्स्ट इसमें जो है PCC यम में जो है हम लोग तो यम 20 में जो है 40 mm यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट 20 mm 10 mm यूज करते हैं, 426 740 10 mm यूज करते हैं उसका। फाइन एग्रीगेट में सैंड या सैंड 680 केजेस यूज करते हैं यम 20 को। ये सीमेंट कंक्रीट सैंड वाटर मिक्स होता है इसका। नेक्स्ट देन PCC यम 25 को जो है 325 वाटर 150 केजेस 690 345 सेम एज इट इज। अब नेक्स्ट अब आ गया है आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट मींस इसमें जो है स्टील अपना स्टील आता है, स्टील से जो है इसका आरसीसी स्लैब जो डालते हैं हम लोग, स्टील यूज करते हैं बीच में उसको आरसीसी बोलते हैं। आरसीसी जब M25 से यूज करते हैं इसको 367 जो है सीमेंट इन केजेस यूज करते हैं, तो 165 वाटर यूज करते हैं केजेस। अब इसमें 40 mm हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि यम आरसीसी में कभी भी 40 mm यूज नहीं होता, ओनली 20 mm एंड 10 mm यूज होता कॉन्क्रीट। तो ये दो को जो है हम यूज करते हैं, सैंड जो है 680 mm इन केजेस इसको यूज करते हैं M25 को। नेक्स्ट सेम जब ये हार्ट जो है कॉलम्स को यूज करना है या जो है ब्रिज को स्लैब डालना है तो उसका जो है हम लोग क्या करते हैं M30 भी यूज करते हैं। M30 में जो है 375 हो जाता है केजेस ऑफ सीमेंट, कुछ ज्यादा हो जाता है और जैसे वाटर भी जो है ज्यादा हो जाता है, उसके बाद जो है 20 mm 10 mm एंड सैंड कम हो जाता है, इसमें सैंड कम हो जाता है सीमेंट ज्यादा हो जाता है, इसको M35 ग्रेड बोलता है। ग्रेड जैसा बढ़ता रहता है वैसा का जो है सीमेंट ज्यादा हो जाता, सैंड कम हो जाता, एग्रीगेट बढ़ जाता। इसका जो है ये मिक्स जो है इन केजेस में बताया हूँ। अब मैं आप लोगों को जो है वॉल्यूम में बताऊंगा कैसा मिक्स करते हैं, इसका वॉल्यूम में बताऊंगा। ओके, अब जो है मैं आप लोगों को जो है सो 50 केजेस पर एक बैग 50 केजेस का होता है सीमेंट, उसमें जो है PCC RCC M20 M10 M15 M25 RCC M20 RCC M25 RCC 30 जो भी सीमेंट एक बैग 50 केजेस का होता है और उसके हिसाब से मैं वॉल्यूम जो है आप लोगों को मैं बताता हूँ आपके। ओके, अब आप लोग देखिए बाय वेट ग्राइंड मिक्स बैच वेट पर वन बैग ऑफ सीमेंट 50 केजेस, उसको मटेरियल जो है हम लोग मटेरियल सीमेंट वाटर कोर्स एग्रीगेट 40 mm 20 mm 10 mm फाइन सैंड फाइन एग्रीगेट। तो M15 PCC को 50 केजेस वाटर 23.6 केजेस, PCC के लिए हम लोग जैसे 40 mm यूज करते हैं 117.4 केजेस, 20 mm के लिए 58.72 केजेस, 10 mm के लिए 58.70 केजेस, फाइन एग्रीगेट के लिए 100 केजेस। ये जो है मिक्स ऑफ ग्राइंड M15 PCC फाउंडेशन के लिए, जो भी फाउंडेशन से पहले जो PCC डालते हैं इस तरह से मिक्स करना चाहिए। 50 केजेस बैग मींस वन बैग को जो है इतना वाटर यूज करना केजेस में, इतना 40 mm यूज करना, ये 58 केजेस 20 mm, 58 केजेस 0.7 mm, 100 केजेस सैंड यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट अपन आते हैं M20 RCC मींस स्लैब कॉलम्स ब्रिजेस स्लैब्स उसके लिए जो है जो भी रेनफोर्स कंक्रीट और स्टील यूज होता उसमें कंक्रीट करते जब 50 बैग के लिए 22.5 केजेस
ये होता, इसमें जो है 40 mm नहीं होता, इसमें आरसीसी में कभी भी 40 mm नहीं होता। तो 20 mm मिक्स करते हैं 58.58 kgs, 10 mm जो है 100.8 kgs, फाइन एग्रीगेट 92.5 kgs यूज करते हैं। नेक्स्ट अभी आते हैं यंग 25 PCC। फिर PCC जो ब्रिजेस वगैरह जो भी बड़े हैवी ब्रिजेस में हम लोग वाटर जो फॉल रेनफॉल ज़्यादा होता है ग्राउंड में, जब PCC 25 डालना चाहिए, यंग 15 PCC नहीं चलेगा। ये ओनली जो है घरों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए चलेगा। अब ये ब्रिजेस में एक्स्ट्रा हैवी वर्क पे जब यंग 25 PCC ज़रूरी है, इसके लिए 50 kgs पर बैग, उसको 23.58 kgs वाटर, इसमें कंप्लीट इसको जो है सो इसमें यंग 25 PCC में जो है हम लोग हेवी वर्क होने की वजह से इसको 40 mm यूज नहीं करते, कंप्लीट 20 mm यूज करते हैं। 50 kgs 50 kgs, 10 mm फाइन एग्रीगेट 90 kgs, लैंड सैंड भी जो है 2 kg कम कर देते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं यंग 25 RCC। RCC जब स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग 50 kgs का एक बैग यूज करते हैं, तो उसको जो है 22.5 kgs का जो है वाटर यूज करते हैं, 40 mm नहीं होता है इसमें। उसके बाद फिर जो है 20 mm 58 kgs, 10 mm 100 kgs, फाइन एग्रीगेट 92 kgs हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर स्टैंडर्ड पेडस्टल्स, जो भी हम लोग यूज करते हैं ब्रिजेस में पेडस्टल्स, स्लैब्स, जो भी कंक्रीट वर्क, ग्राउंड वर्क जो है वाटर में रेनफोर्स कंक्रीट होता है, तो यंग 30 से यूज करते हैं RCC। 50 kgs वन बैग को 22.53, 98.18 जो है इसका 20 mm, 10 mm 63.63 यहाँ कम हो गया, इधर 100 था तो इधर 23 हो गया, 23.8। उसके बाद 92 है तो 84 सेंट कम लेते हैं, सीमेंट ज़्यादा हो जाती है इसमें, ये कम हो जाता है रेशियो से। इसको जो है हम बाई वेट जो वजन के हिसाब से अगर तुम ग्रैंड मिक्स करना है तो ऐसा ये चार यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट में जो है बैग्स के, ये बैग्स का जो तरीका होता है कैसा मिक्स करते हैं वो बताता हूँ आप लोग। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, ये बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम बता रहा हूँ मैं, ग्रेड ऑफ मिक्स, वॉल्यूम, मटेरियल, सीमेंट, वाटर, सोम, कंक्रीट, 40 mm, 20 mm, फाइन एग्रीगेट। यम 15 PCC को वन बैग सीमेंट जो लेते हैं तो 23.3 liters में लेते हैं, वॉल्यूम मीन्स लीटर्स, लीटर्स में जो है वाटर लेना चाहिए और 0.0883 क्यूबिक मीटर जो है 40 mm लेना चाहिए इसको, 20 mm जो है सो 0.0459 क्यूबिक मीटर जो है सो 20 mm लेना चाहिए, 10 mm जो है 0.451 क्यूबिक मीटर लेना चाहिए, फाइन एग्रीगेट 0.0631 क्यूबिक मीटर जो है फाइन एग्रीगेट लेना चाहिए। इसका मिक्स जब हम लोग ग्राइंड करते हैं तो यम 15 पर PCC यूज़ करते हैं हम लोग, PCC यूज़ करने के लिए ये मिक्स करना है ये, ठीक है। अब जो है यम 20 RCC को आएंगे, यम 20 RCC मीन्स वन बैग सीमेंट के लिए हम लोग 22 liters वाटर यूज़ करते हैं, इसमें RCC में जो है हम लोग 40 mm यूज़ नहीं करते, तो नेक्स्ट जो है 20 mm जो है सो 0.0454 क्यूबिक मीटर कंक्रीट यूज़ करते हैं 20 mm, 10 mm जो है 0.0764 क्यूबिक मीटर 10 mm यूज़ करते हैं, फाइन एग्रीगेट 0.0583 क्यूबिक मीटर जो है हम लोग फाइन एग्रीगेट यूज़ करते हैं, इसको जो बोलते हैं RCC, यम 20 RCC, ठीक है। जब यम 25 की PCC अगर आप डालना चाह रहे हैं, यम 15 हो गया PCC, अब यम 25 PCC में थोड़ा स्ट्रांग होता है ये ब्रिजेस के लिए, पानी का वाटर जो ग्राउंड फ्लोर में वाटर होता है तो उसके हिसाब से जो है हम लोग ये यम 25 सेलेक्ट करते हैं, ग्रेड PCC नीचे बेड जो डालते हैं राफ्ट से पहले जो नीचे फाउंडेशन में डालते हैं, वो वन बैग सीमेंट के लिए 22.5 liters वाटर उसका यूज़ होता है, इसमें जो है हम लोग 40 mm जो है 0.071 क्यूबिक मीटर 40 mm यूज़ करते हैं, 0.39 जो है सो 10 20 mm, 0.0388 10 mm, फाइन एग्रीगेट 0.057 क्यूबिक मीटर फाइन एग्रीगेट यूज़ करके इसका डिज़ाइन मिक्स करके यम 25 बनाते हैं, इसका जो है सो इसके हिसाब से कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा यम 25 RCC, यम 25 PCC कंप्लीटेड। अब नो यम 25 RCC, RCC मीन्स PCC के ऊपर जो भी वर्क होता है, स्टील वर्क होता है उसको RCC बोलते हैं, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट वर्क जो होता है उसके लिए जो है वन बैग सीमेंट के लिए 22.5 liters वाटर यूज़ करते हैं, इसमें जो है 40 mm यूज़ नहीं करते RCC में कभी भी हम लोग, 20 mm जो है 0.45 क्यूबिक मीटर
0.05 फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं। ये मिक्स जो है 25 एम का फाइन एग्रीगेट होगा, इसके हिसाब से एम 25 हम लोग मिक्स करते हैं। नेक्स्ट जो है एम 30 ग्रेड, एम 30 आरसीसी के लिए यूज करते हैं। वन बैग सीमेंट में 22.5 लीटर वाटर, 40 एम एम मेटल यूज नहीं करते, 20 एम एम जो है 0.077.4 क्यूबिक मीटर, 10 एम एम फाइन एग्रीगेट, 0.0534 सैंड यूज करते हैं हम लोग। इसका ग्रैंड मिक्स जो है करके जो है सो कॉलम्स को इसको हम रेस करते हैं। इसका एम 30 ग्रेड से हम लोग इसका डिजाइन कर सकते हैं। ये वॉल्यूम में हम लोग, मैं वॉल्यूम में बता दिया हूँ। नेक्स्ट आप लोग को जो है समय जो है ये बाद में फिर नेक्स्ट जो भी हमारा जो है इसमें जो है हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड कंक्रीट ऑफ स्लैब कॉलम्स बीम्स रिटेनिंग वॉल्स फुटिंग के बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कैलकुलेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड स्लैब कॉलम्स बीम्स रिटेनिंग वॉल्स एक्सेट्रा जो भी है हम लोग फुटिंग जो भी है उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे। थैंक यू।